हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी, आप हैं मेरे चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी पे। आज मैं आपके सामने एक अमेज़न हॉल लेके आई हूं और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, तो धीरे धीरे करके आ रही थी, तो मैंने सोचा इकट्ठे हो जाएँ, जब सारी आ जाएँ तब मैं आपको दिखाऊँ। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और बेल बटन को हिट करेगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, और शेयर तो करना ही है अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोग जानते ही होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है बड़ा सा बॉक्स, इस तरह के दो बॉक्स आए थे, ये है बड़ा सा बॉक्स अमेज़ॉन का। स्टार्ट करते हैं, मैंने ओपन कर लिया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैंने हेयर ऑयल्स मंगाए हैं कुछ। मैंने ये मंगाया है प्योर एंड श्योर का कैस्टर हेयर ऑयल, ये कैस्टर ऑयल है ये, इस तरह की बॉटल में आता है ये, 500 ml है और प्योर एंड श्योर का है। प्राइस इसका 235 rupees है और इस तरह से ये आता है। और कैस्टर ऑयल बहुत बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए आपके, उससे कैस्टर ऑयल से आई लैशेस और आईब्रो की भी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, तो ये उसमें भी अच्छा है और हेयर्स के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। तो मैंने ये बड़ी बॉटल 500 ml की मंगवा ली। ये ऑयल ऑर्गेनिक है और 100% केमिकल फ्री है, इसलिए मैंने इसकी बॉटल मंगवाई है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मंगवाना हो कैस्टर ऑयल तो आप मंगवा सकते हैं, 235 rupees पे मेंशन है यहाँ पे। ये प्लास्टिक की बॉटल है फ्रेंड्स, ये ग्लास बॉटल नहीं है, प्लास्टिक है। फर्स्ट प्रोडक्ट ये था और ये काफ़ी टाइम चलने वाला है, इसलिए मैंने 500 ml मंगवा लिया है। और नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये कोको शोल का, मैंने मंगवाया है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो ये है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये इस तरह की बॉटल में आता है, ये भी 500 ml प्रोडक्ट है और प्राइस इसका 449 rupees है। इस तरह की ये भी प्लास्टिक की बॉटल है फ्रेंड्स, तो अभी समर्स में कोकोनट हेयर ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो एक्स्ट्रा वर्जन तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है। और प्राइस मैंने बता दिया, 500 ml की प्रोडक्ट है और इसके बेनिफिट्स तो आप जानते ही होंगे कोकोनट ऑयल के। इसको आप फेस में लगा सकते हैं, इसको आप हेयर में लगा सकते हैं एज अ हेयर ऑयल, इसको आप हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको यूज़ करना हो। आपको कहीं अगर बॉडी में ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है तो आप इसको लगा सकते हैं बॉडी में भी कहीं भी, तो जैसे भी आपको यूज़ करना हो, जिस तरह से भी आपको यूज़ ज़रूरत लगे वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट ये था। और नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये मिनी छोटा सा गार्नियर का माइसलर वाटर मंगवाया है और ये मेरा फिनिश हो गया था तो ये मैंने मंगवा लिया है। ये 125 ml है और प्राइस इसका 199 rupees है, लेकिन ये ऑफ़र पे चल रहा था तो मैंने इसको मंगवाया है। ये है। और मेकअप रिमूवर, ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है, ये मैंने मंगवाया है। और ये एक वॉलपेपर समझ लीजिए, वॉल स्टिकर, ये इस तरह से मैंने मंगवाया है। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन थे तो मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है, बट ये स्टिक हो जाता है, ये देखिए, ये थिन सा है, ये बहुत मोटा नहीं है, थिक नहीं है, ये थिन सा है बिल्कुल पेपर टाइप का। और इसको आप इस तरह से रिमूव करके, इसमें स्टिकर है पीछे, आप इसमें ये वाइट वाला रिमूव करके आप इसको कहीं भी स्टिक कर सकती हैं, आप कहीं भी वॉल पे या आपकी वार्डरोब हो जिसका पेंट ख़राब हो गया हो, ये बिल्कुल वुडन प्रिंट में था इसलिए मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जिसमें सीलन वाली जो जगह है वहाँ पे ये स्टिक नहीं होगा, तो आप नॉर्मल जगह पे इसको स्टिक कर सकती हैं, सीलन वाली जगह पे नहीं होगा। तो अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे अच्छा लगा प्रिंट, इसलिए मैंने मंगवाया है, काफ़ी सारे प्रिंट है इसमें। और इसको आप ना अपने वार्डरोब पे, अपने अपने टेबल पे या जहाँ भी आपको स्टिक करने का मन करे तो आप कर सकते हैं फॉर अ चेंज।
सो ये मैंने मंगवाया था और प्राइस वगैरह इसका मैं मेंशन कर दूंगी और साइड में आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। सो ये था, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। और मैंने मंगवाया है ये, सो ये अर्बन बोटनिकास का ऑलिव ऑयल है, ये मैंने ऑलिव ऑयल मंगवाया है और ये भी केमिकल फ्री है। 250 ml का प्रोडक्ट है ये, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर दिया है। और इसका प्राइस 349 rupees है इसका प्राइस, और 250 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल है। तो ऑलिव ऑयल भी बहुत बेस्ट होता है आपके हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, और ऑलिव ऑयल को आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मेकअप रिमूवर, लेकिन अभी समर्स में तो ऑयल से मेकअप रिमूव कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए गार्नियर माइसलर वाटर मैंने मंगवाया है। सो अभी तो नहीं, लेकिन विंटर्स में ऑलिव ऑयल से आप अपने फेस को भी, मतलब फेस पे जो मेकअप है उसको भी रिमूव कर सकती हैं ऑलिव ऑयल हेयर के, अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं जैसा कि मेरे हैं, सो उसके लिए बेस्ट है ये हेयर ऑयल। सो आप इसको अपने हेयर मास्क में मिक्स कर सकती हैं, या दो तीन हेयर ऑयल जैसे मैंने मंगवाया है इसको मिक्स करके आप एज अ हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर प्लेन आपको यही लगाना है तो आप वो इस तरह से भी यूज़ कर सकती हैं, आप इसको भी केवल लगा सकती हैं फ्रेंड्स। और मैंने मंगवाया है ये प्लम का एलोवेरा जेल, सो प्राइस इसका 395 rupees है और प्रोडक्ट क्वांटिटी 250 ग्राम है। सो इतना बड़ा जार आता है इसका, और अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, ये पूरा पैक्ड है। और एलोवेरा जेल आप फेस पे, हेयर्स पे, कहीं भी आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हैं। सो हेयर केयर की चीज़ें ज़्यादा हो गई आजकल, काफ़ी सारे मास्क भी मैं ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी सारे मैंने शेयर भी किए हैं आपके साथ। आपको चेकआउट करना हो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये गोल्डन कलर की बेल्ट, ये आप देख सकते हैं ये मेटल की बेल्ट है और इसके साथ ये चेन आता है, ये पूरा पॉलीथीन रैप है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बेल्ट है, ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर की, इसमें सिल्वर भी आता है, तो आपको जैसा भी आपका आपके यूजेस हो उस तरह से आप इसको मंगा सकते हैं। आप इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी चीज़ के साथ भी वेयर कर सकते हैं जिससे भी आपको वेयर करना हो। ये देख सकते हैं इस तरह से ये आता है, और आप अपने साइज़ का हिसाब से आप मंगवा सकते हैं, इसमें आई थिंक साइजेस हैं, और ये इतनी बड़ी इसके साथ चेन मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेन को यहाँ पे फंसा सकते हैं। सो ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा, चेन को बंद कर लीजिएगा अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये भी पॉलीथीन यहाँ भी लगी हुई है फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ भी पॉलीथीन लगी हुई है, तो ताकि कलर वैसा ही रहे। और इसको मैं वेयर करके आपको दिखाऊंगी अभी, और तो फ्रेंड्स और मैंने ये हैप्पी लो का आलमंड्स मंगवाया था, ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े और अच्छे आलमंड्स हैं। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये कैशूज, और ये तुलसी ब्रांड का है और प्रीमियम कैशूज हैं ये। ये आप देख सकते हैं कोई मिलावट नहीं, ये लिखा हुआ है 500 ग्राम का ये था और 500 ग्राम का वो बादाम भी थे। ये दोनों चीज़ें मंगवाई थी, और कैशूज़ भी देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे कैशूज़ थे। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये बजाज का 750 वॉट का ये मिक्सर ग्राइंडर, ये आप देख सकते हैं ये 4 जार के साथ आता है, आप साइड में इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कैसा है ये, और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी फ्रेंड्स। और ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ये 4 जार के साथ आता है, पैकेजिंग आप देख सकते हैं किस तरह से है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। तो ये देखिए ये मैंने साइड में सब लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि
चार इसके जार और मशीन इसकी। सो चटनी वाला और दाल वाल पीसने के लिए, और एक बड़ा जार है जिसमें आप एक साथ ज़्यादा चीज़ें पीस सकते हैं, और ये जूसर है जिससे आप जूस निकाल सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं इस तरह से है, और मैं इसको यूज़ भी करने लगी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। सो आप अगर एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ इसको। सो ये देख सकते हैं ये सबसे छोटा वाला है, ये चटनी पीसने के लिए है। और ये देखिए ये बड़ा है, और इसके साथ जो कैप है ना, ये देखिए ये लॉक वाला है, तो इससे आपको हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लॉक हो जाएगा। सो इस तरह से इसके लॉक खोल के आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद लॉक लगा के आप इससे ग्राइंड कर सकते हैं। सो इसके ब्लेड्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सारे जार लगभग यूज़ कर लिए हैं, सो बहुत अच्छा है। और ये थोड़ा पहले आ गया था मेरे पास तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखिए इसके साथ ये ना स्ट्रेन करने के लिए भी मिलता है, तो आपके साथ जैसे आप कोई भी जूस निकाल रहे हैं जैसे मौसमी का या फिर संतरे का, तो उसके बीज इसमें आ जाएंगे। तो ये है मिक्सर ग्राइंडर, और बहुत ही अच्छा बेस्ट है। और ये इसका ये देखिए इस तरह से 3 इसके पॉइंट्स हैं। ये मैंने मल्टी कढ़ाई 3-in-1 मल्टी कढ़ाई मैंने मंगवाई है फ्रेंड्स। सो ये आप देख सकते हैं इसके साथ ओपन करने पर ये कार्ड मिलता है इनका, तो इस तरह से ये कार्ड है और इसमें उनका नंबर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें ये स्टीम करने के लिए है, और ये ढोकला के लिए जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ ढोकला, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनता है इसमें। ये आप देख सकते हैं ये 2 मिनी इडली प्लेट है, आप अगर मिनी इडली बनाना हो तो इस तरह से 2 प्लेट ये मिल जाएंगे। ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 इडली का सेट, ये बिग इडली जो आप नॉर्मल साइज़ की इडली होती है वो आप बना सकते हैं, तो 2 ये। तो मैं आपको बता दूं कि 7 प्लेट्स इसके साथ मिल जाएंगे, और जैसा भी आपको जो भी बनाना हो वो सब रहेगा। और ये बिग साइज़ की एक कढ़ाई मिल जाएगी जिसमें आप स्टीम करेंगे जो भी आपको बनाना हो, इसमें पानी लेके आप स्टीम करके बना सकते हैं। तो ये कढ़ाई का साइज़ है, और ये इसका लिड मिल जाएगा कैप, ये देखिए इस तरह से। तो हैवी है काफ़ी, और अच्छा मटेरियल भी है इसका, स्टील अच्छी है। और पीछे ये देखिए, ये पीछे इसमें तांबा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सो मटेरियल वाइज बहुत अच्छा है। सो चलिए कुक करते हैं इसमें ढोकला। तो यही था आज का हॉल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और व्लॉग्स मेरे कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।